दूसरी पेंटर साहब आए मेरे को ब्लेसिंग करने, इन्होंने एक तरह से ब्रेक दिया था मुझे एक शो में महाराणा प्रताप। तो बहुत साल लगे ये कैसे कैसे करके सबसे रूबरू तो होते रहे शोज में मूवीज में, लेकिन इंडिपेंडेंट कुछ करने में 20 साल लग गए। पर जहाँ पहुँचे हैं अपनी तरफ से कोशिश की है। फर्स्ट टाइम लेके आ रहा था मूवी तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, कि बहुत सारी फिल्म्स की थी और जाता था प्रीमियर पे देखने जाता था फर्स्ट शो, तो थिएटर वाले से बोलता था यार मेरी फैमिली है, मैं फिल्म की है मैंने अभी ये वाली, तो मेरे को टिकट्स चाहिए। तो बोलता था सर पूरा हॉल खाली है आप कहीं भी भेजिए। तो मैं कहा यार क्या, बोले हाँ सर पूरा खाली है हॉल कहीं भी बैठी है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार अब मूवी बना रहे हैं तो क्या करें, अब या तो बड़े स्टार हो जाते हैं या जो होते हैं सेलिब्रिटी उनको लेके तो हम लोग काम कर लेते हैं, इजी होता है हमारे लिए, पोस्टर पे देखते ही हम लोग पब्लिक आ जाती है। तो ये एक क्वेश्चन था दिमाग में और बहुत सारे दोस्तों के और पर्सनल एक्सपीरियंस थे इतने सालों के, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी की, मुझे पीके लेले ढूंढना पड़ा। ये मेरे जो लॉन्च है मेरी कंपनी जो है मुंबई टॉकीज कंपनी, उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देने के लिए मुझे ये चीज़ लेनी पड़ी। और थोड़ा सा कुछ ट्रेंड भी है यूथ में या किसी में, नहीं तो मैं धार्मिक फिल्म बनाने की सोच रहा था पहले, हेलो श्री राम स्पीकिंग। लेकिन मुझे लगा कि फिर शायद देखूंगा भी मैं ही, तो मैंने फिर वो कोशिश नहीं की। मुझे लगा ऐसी चीज़ बनाऊं जो लोग चले जाएं देखने। तो ये मेरा कवर है जिसकी वजह से मैं लोगों को अंदर ला रहा हूं। बट जिस दिन भी आप मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक अच्छी सेंसेबल स्क्रिप्ट लिखी है मैंने और सेंसेबल स्टोरी बनाई है। इट्स अ स्लाइस ऑफ अ लाइफ, एक आदमी की कहानी है, बट उसको प्रेजेंट करने के लिए, लोगों को पिक करने के लिए मुझे एक कवर सपोर्ट लेना पड़ा कि पी के ले ले। और जो मेरे बजेंद्र जी हैं पाजी, उनको तो साइन ही मैंने कैसे किया सर कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उन्होंने 4-5 मीटिंग तक तो मुझे नाम सुनते ही भगा दिया। फर्स्ट टाइम मैं फिल्म सिटी में गया, मैं कहा पाजी एक फिल्म बना रहा हूँ। हाँ भाई पता क्या है तेरा, मैं कहा पाजी मेरा जो है मेरा टाइटल है सर पी के ले ले। अच्छा अच्छा चल तो तू बैठ बैठ, मैं यार मेरी वाइफ का और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, जरा मैं 3 बजे मैं निकलता हूँ, तुम 5 बजे आ जा, देखते हैं अपन बात करते हैं। उसके बाद 1 महीने तक वो मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर मैंने सर को स्क्रिप्ट भेजी, मिला, मैंने बोला सर आप एक बार फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो उस वजह से मैंने एक प्रयास किया है सर, और आप सब लोग इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं और ये अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री की कि कोई भी नया आता है और अगर कुछ अच्छा करता है तो हम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं उसे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ये मेरा सफ़र जो अभी शुरू हुआ है आगे चलता रहेगा।